है आपके सामने गर्मियों में होने वाली एक विशेष समस्या जिससे सारा शहर सारा देश आज परेशान है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और वो परेशानी है आपकी लू। लू यानी सन स्ट्रोक। यह सन स्ट्रोक क्यों हो जाता है, किसको होता है, क्या उपचार करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि लू क्या है और क्यों लग जाती है। तो देखिए, हमारा देश गर्म प्रधान देश है, तो बहुत गर्मी यहाँ होती है, लेकिन मई जून के टाइम में ये टेम्परेचर हमारा बहुत ऊपर जाने लगता है। कितना ऊपर जाने लगता है, तो ये हमारे शरीर के निश्चित तापमान से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आपके वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास रहता है, तब आपके शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये उससे बढ़ना शुरू करता है, 40 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमारे शरीर के ऑर्गन काम करना कम करने लगते हैं। ये काम करते रहे, इसके लिए हमें इसको बराबर तापमान पर लाने के लिए पानी पीते रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति लगातार पानी पीते रहते हैं, उनको ये समस्या नहीं होती। लेकिन जो पानी कम पीते हैं, उनको लू की समस्या सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब इसमें क्या होता होगा, जब हमारे शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित होकर के बढ़ना शुरू करता है, तो पहले तो शरीर आपका पसीना निकालता है ताकि बॉडी आपकी ठंडी रहे। लेकिन जब आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, तब ये तापमान नियंत्रण खो बैठता है और फिर शरीर का तापमान आपका हाई होने लगता है। जब हाई होने लगता है, तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में एक थर्मोरेगुलेटर लगा होता है, जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, वो ये काम नहीं कर पाता, ठीक से फ्यूज हो जाता है, कह सकते हैं। तो जब वो फ्यूज हो जाता है, तो फिर पसीना निकालने की भी क्रिया रुक जाती है। तो लू लगने में जो सिम्टम आते हैं वो क्या होता है, सिर में दर्द होने लगना, बार बार प्यास लगने लगना, और शरीर का गर्म हो जाना, सूख जाना, पसीना नहीं निकलना। अब बाद में क्या होगा, ऑर्गन आपके श्रिंक करने लगेंगे, यानी लंग्स। तो जब लंग्स में आपके पानी कम हो जाएगा, सूखने लगेगा, तो सांस लेने में परेशानी होगी, चक्कर आएगा, और बाद में ऑर्गन के कोलैप्स होने पर, हार्ट वगैरह के कोलैप्स होने पर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बचाव का सबसे बढ़िया और कारगर तरीका है कि आप पानी की मात्रा का ध्यान रखें। जब भी घर से बाहर निकलें, तो पानी का सेवन करके निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहें। और दूसरे नंबर का जो प्रोटेक्शन है, वो है हमारा सिर का, क्योंकि थर्मोस्टेट मैंने आपको बताया कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस में है, तो आपको हाइपोथैलेमस को ढक करके, यानी सिर को ढक के रखना है, कैप से, हेलमेट से, टॉवल से, कैसे भी करके। तो ये दो उपाय करने के बाद, अब एक तीसरा उपाय मैं आपको एक्यूप्रेशर का बताती हूँ। इसके लिए हम एक्यूप्रेशर के दो पॉइंट्स का यूज़ करने जा रहे हैं। एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये थंब के नीचे के जॉइंट में मैंने लगा रखा है डॉट, ये है डॉर्निंग वेसल 14। ये 14 नंबर एक तो हीट को निकालता है, दूसरा नंबर क्या करता है, जब हीट बढ़ती है तो आपके शरीर का जो लंग्स है वो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से लंबी गहरी सांसें चलने लगती हैं, सांस फूलने लगती है। तो जब आप इस पॉइंट को लगाते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी वो फैलती है, लंग्स को और जगह मिलता है काम करने का, और जो आपका एओर्टा है और पेरिकार्डियम है, उसमें सिकुड़न आती है, जो फैल जाते हैं गर्मी के प्रभाव से। तो जब वो सिकुड़ते हैं, तो ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाते हैं और ब्रेन कोमा में जाने से बचता है। तो ये हो गया आपका गवर्निंग वेसल 14। दूसरा पॉइंट होता है इसी थंब में, आप देख रहे होंगे, इससे इधर मैं दिखाती हूँ, आपके थंब का जो नेल है उससे थोड़ा सा ऊपर साइड में, ये है TW20। ये आपके जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, ये उसका पॉइंट है, यानी ये है आपका थर्मोस्टेट, यानी ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। तो जब आपको लू की संभावना लग रही है, आपको गरम गरम लहरें निकल रही शरीर से, तो आप इसी पर एक ब्लैक कलर का डॉट लगा लें। तो आप ये दो पॉइंट जो मैंने आपको अभी दिखाया, दोनों हाथों में जैसा कि मैंने लगा के रखा है,
इस तरीके से दोनों हाथों में अगर आप ब्लैक डॉट लगा कर रखते हैं तो इससे न केवल लू से आपका प्रोटेक्शन होगा बल्कि अगर लू लग भी गई है तो ये लू को ठीक करने में भी आपकी सहायता करेगा। इसको कब लगाएं, कितना लगाएं, तो जब आप, आजकल गर्मियों का मौसम है, या आप इसको 24 घंटे भी लगा कर रख सकते हैं, या जब भी आप धूप में निकलते हैं उससे पहले आप इसको लगा लें तो ये प्रिवेंटिव भी काम करेगा, क्यूरेटिव भी काम करेगा। लगने के, लू लगने के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपको लू लग करके बेहोशी आ जाए, पेशेंट बेहोश हो गया है, तो उसके साथ ही आपको दो पॉइंट एडिशनल और लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट नाक के नीचे होता है, GB 26। तो जब भी कोई बेहोश हो तो नाक के नीचे दबाएं, पहला पॉइंट। और दूसरा, पैर के तलवे में एक पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, K1। इन दोनों पॉइंट को केवल आपको दबाना है, कब, जब वो पॉइंट, जब वो पेशेंट बेहोश हो गया। दोनों पॉइंट भी इसलिए कि हमें नहीं पता कि वो पेशेंट लो ब्लड प्रेशर का है या हाई का। अगर आपको पता हो तो आप इसको एक भी कर सकते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर है तो नाक के नीचे दबाएं 1 मिनट से आधे मिनट, और हाई ब्लड प्रेशर है तो K1 को आधे से 1 मिनट दबा करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये छोटे से दो बिंदु कहने मात्र को, लेकिन आपके शरीर को लू से तो बचाते हैं, साथ में आपके प्राणों की भी रक्षा करते हैं। तो लू के बारे में आज इतना ही बताना चाहूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के जान रक्षा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।